एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने औरत को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, जो भी आपका पार्टनर है, उसको ब्लो जॉब के लिए कैसे मना सकते हो। देखिए, ये जो ब्लो जॉब देने की बात होती है ना, पहली बात ये कला है और लेना भी किस्मत वालों के लिए होता है, क्योंकि ये हर कोई देता भी नहीं, दे भी नहीं पाता, क्योंकि ब्लो जॉब करना एक फैंटेसी है, लेना भी और देना भी। और इसमें परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्लो जॉब मेल प्लेजर के लिए, उसके अराउजल मोमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसमें आपके फीमेल पार्टनर माहिर हुई तो मेल पार्टनर को कभी संतुष्टि मिलने में दिक्कत नहीं होती। वैसे तो मेल पार्टनर डिस्चार्ज करके ही अपनी संतुष्टि को हासिल कर लेते हैं, फिर भी कुछ सेटिस्फेक्शन ऐसा होता है जो एक्सटर्नल बेस पे आपको मिलता है, जो आपको चरम उत्तेजना तक पहुंचा देता है, जो आपको काफ़ी मदद करता है कि आपका लिबिडो जो है वो मेंटेन रहे। और उसमें ब्लो जॉब बहुत ही मददगार साबित होता है। बट ब्लो जॉब लेने के टाइम पे मर्द कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, पता है, जिसकी वजह से अगर उनको मिलना भी था तब भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर देना बंद कर देती है, इग्नोर कर देती है। और अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझा पाते हो ना, तो जो नहीं भी देती वो भी आपको देने के लिए राज़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसे टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जो इसमें आपको काफ़ी मदद करने वाला है। सबसे पहले बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप इस चीज़ को मिलने में असफल रह जाते हो। पहली बात जो चीज़ करनी है वो है अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने बेडरूम में घुस गए और उसी वक्त आपके फीमेल पार्टनर को देना शुरू कर देगी, तो यहाँ ही आपकी गलती है। क्योंकि अगर फीमेल पार्टनर खुद उस चीज़ को महसूस नहीं करेगी, उत्तेजक महसूस नहीं करेगी, तो वो उत्तेजक भरा काम भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को ना इस चीज़ को सोचने ही कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा, अनकम्फर्टेबल जैसा फील होता है। तो ऐसी औरतों के लिए शुरू में ही आपको ब्लो जॉब देना शुरू करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए दोस्तों, पहले अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो, उसको अच्छे से फोपले दो और मज़ा आ जाए उसको, ऐसा उसको फील करवा दो, फिर उसको अप्रोच करो कि वो आपको ब्लो जॉब दे। नंबर टू जो आप कर सकते हो वो है पहले अपने फीमेल पार्टनर को ओरल सेक्स में मजा दो। क्योंकि बहुत सारे फीमेल पार्टनर होते हैं जो जिन्होंने कभी किया नहीं है, ये उनका फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए ना ये जो डिस्कम्फर्ट है, अनकम्फर्टेबल फील हो रही है उनको, वो गायब हो जाएगी अगर सेम चीज़ उसको मिल जाए, सेम सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर आपको ब्लो जॉब दे, तो इस केस में आपको अपनी फीमेल पार्टनर को पहले देना चाहिए ओरल सेक्स। अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपको दे रही है, देती है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं देती उसको मैं अप्रोच करने की बात कर रही हूँ। और उस केस में पहले आप अपने फीमेल पार्टनर को दो, फीमेल पार्टनर को अगर उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो खुद राज़ी होगी कि वो भी आपको ब्लो जॉब दे। और इस केस में जो नंबर तीन पोजीशन में आता है वो है हाइजीन का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि फीमेल पार्टनर आपको ब्लो जॉब दे, तो इस केस में आपको अपने हाइजीन का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लिंग से बदबू आ रही है, अगर वहाँ पे आपको वाइट वाइट सा स्मिग्मा दिख रहा है और बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपके फीमेल पार्टनर आपको इग्नोर करे। तो चकाचक रखने की कोशिश करो, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिम करके रख सकते हो अपने प्यूबिक हेयर को। हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखो। मैंने बहुत सारे इंटीमेट वॉश के बारे में बताया अपने चैनल में, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हाइजीन का ध्यान जरूर, यार धो के आओ हर बार जब भी आप बेड पे चल रहे हो। नंबर फोर जिस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत सारे मेल पार्टनर ब्लो जॉब चाहते तो है पर उनका बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और इस केस में अगर फीमेल पार्टनर मुंह में लेती भी है तो मुंह में ही डिस्चार्ज होने के चांसेस होते, हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर एक्सपीरियंस किया हो इसलिए वो शायद आपको इग्नोर कर रही है, या फिर जल्दी गिरने की वजह से हो सकता है कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। तो इस केस में अर्ली डिस्चार्ज होने वाले लोग क्या कर सकते हैं, क्या लोग उनको ब्लो जॉब नहीं मिलेगा? जी, यहाँ पे भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है, आप पहले डीले स्प्रे का इस्तेमाल करो। डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट्स भी लिडोकाइन स्प्रे का इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि आप डीले स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, बट डेफिनेटली वो अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, नॉन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, और हाँ, उसमें किसी भी तरीके की पैराबेन नहीं होनी चाहिए, केमिकल फ्री वो होना चाहिए, वो लिडोकाइन स्प्रे होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना।
निडोकाइन स्प्रे आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता है, वो आपके प्राइवेट पार्ट की जो सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, जिससे आपका जो जल्दी रीने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती है और आप लंबे समय तक कर पाते हो, थोड़ी सी नमनेस बनाए रखती है। और मैं हमेशा ही आपको अच्छा ब्रांड रिकमेंड करती हूँ, तो इन दैट केस मैं आपको मैन मैटर के डीले स्प्रे का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। मैन मैटर के डीले स्प्रे में वो हर चीज़ है जो मैंने आपको रिकमेंड की है, एज लाइक अल्कोहल फ्री है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ये पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है, फास्ट एक्शन करता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करता है और बहुत ही स्किन में जेंटल है, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप मैन मैटर के इन डियोर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि मैम हमने डीले स्प्रे का इस्तेमाल तो कर लिया बट वो फीमेल पार्टनर मुँह में कैसे ले। सबसे पहली बात कि आपको करने के थोड़ा सा पहले इस स्प्रे का इस्तेमाल करना है, जिससे ये बिल्कुल आपके पेनिस में अब्सॉर्ब हो जाए और कुछ भी बचा ना रहे। फिर भी अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो तो आप डेफिनेटली फ्लेवर कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दैट केस ये आपके प्लेजर को बिल्कुल ख़राब नहीं करता, उल्टा फीमेल पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से इसको फील कर पाती है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल पार्टनर डायरेक्ट मुंह में लेना नहीं चाहती, उसको डिस्कम्फर्ट फील होती है, उसको कुछ अजीब सा लगता है। तो इन दैट केस अगर आप फ्लेवर कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो तो उसमें अलग अलग फ्लेवर रहते हैं जो नेचुरल फ्लेवर होता है। बहुत सारे फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, पता नहीं और भी क्या क्या है। तो कोई भी आप अपने फीमेल पार्टनर के चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके प्लेजर को बिल्कुल ख़राब नहीं करता। आप वही फील करोगे जो विदाउट कंडोम फील करते थे और ये आपके प्लेजर को, आपके फीमेल पार्टनर के कंफर्टनेस को दुगना बना देता है और इससे भी आपकी फीमेल पार्टनर हर बार रोजॉब देने के लिए राजी हो जाती है। ये तो मैंने बात करी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अब मैं ये बताती हूँ कि क्या मत करो जिससे आपको ब्लोजॉब मिलने में दिक्कत हो जाएगी। पहली बात मैंने तो बता दिया, हाइजीन का ध्यान रखो, गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए, लंबे लंबे प्यूबिक हेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके मुंह पे डिस्चार्ज मत करो। बहुत सारे लड़के ना बदमाशी करके अपने फीमेल पार्टनर के मुंह में डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको तो मज़ा आता है पर ये वो नहीं समझता कि अगली बार उसकी फीमेल पार्टनर डायरेक्ट उसको धक्का लगाने वाली है, रिजेक्ट करने वाली है। तो विदाउट हर कंसर्न, उसकी कंसर्न के बिना बिल्कुल उसके मुंह में डिस्चार्ज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर को ये पसंद ना हो। आपने बहुत सारी वीडियो में ये देखा होगा जिससे आपको मज़ा आ रहा है बट उसको इससे डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। नंबर थ्री, बहुत सारे मेल पार्टनर पता है क्या करते हैं, प्लेजर जब मिलना शुरू हो जाता है ना उसको, तो वो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में फीमेल के गले तक फंसा देता है अपने लिंग को। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस ये चीज़ उसके ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे दे रही है। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको ब्लोजॉब देगी, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से इस परफॉर्मेंस को करेगी, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बहुत सारे मेल पार्टनर की गलती होती है कि वो इतना ज़्यादा फीमेल पार्टनर के मुंह के अंदर डाल देते हैं कि वो गले में फंस जाता है, इससे उसको वोमिटिंग जैसी फील होती है, डिस्कम्फर्ट उसको महसूस होता है, अगली बार वो करना पसंद नहीं करती। और लास्ट, उसको फोर्स मत करो। आप उसको समझा सकते हो, उसको मना सकते हो पर ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग लड़के के भी अलग अलग चॉइस होते हैं। तो इस हिसाब से अगर उसको बिल्कुल भी हर तरीके से आपने कोशिश कर लिया, वो नहीं राज़ी हो रही है, तो मत करो। और ऐसे फीमेल सिर्फ 5% ही होते हैं, 95% फीमेल्स मनाने से मान जाती है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैंने इस वीडियो में बताया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।